अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुदस्सर अमीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगी। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हम बनाने लगे हैं तारकशी का न्यू डिज़ाइन। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन बनाया है, बहुत ही जल्द बन जाने वाला डिज़ाइन है। ये आजकल बहुत ट्रेंड है इसका। नीचे से देखो हमने नहीं धागे निकाले, यहाँ से दोनों साइडों से और फिर यहाँ से ये देखो कॉर्नर में ऐसे करके हमने धागे निकाले हैं। ऐसे आजकल बहुत ट्रेंड है। आप चाहें तो इन चारों फटियों पर एक ही डिज़ाइन बना सकती हैं, लेकिन मैं दो पर डिफरेंट बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ बना रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। देखियो बहुत ही प्यारा है, माशाल्लाह से बहुत जल्द बन जाने वाला है। आपने करना क्या है, मैंने तारकशी की वीडियो बनाना छोड़ दी थी क्योंकि इतनी मेहनत है, आपको तो पता है ये कितनी मेहनत है। सब कढ़ाइयों से ज़्यादा इसमें मेहनत है, मेरे सर को दर्द होने लगता है। लेकिन आप फिर बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि आपने क्यों ये काम छोड़ा, आप करें, हमें इसकी ज़रूरत है। तो आपने पूरी वीडियो को देखना है, लाइक और शेयर भी करना है। और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, आसान भी है, जल्द बन जाएगा। तो इन दोनों लाइनों पे हम अगली वीडियो में डिज़ाइन बनाएंगे। और यहाँ पर हमने ये देखो डिज़ाइन बना लिया है, एक लाइन मैंने छोड़ दी है। ये जो है ये भी इधर भी फट्टी की 7 लाइनें हमने 4 धागे निकाले थे और 3 छोड़े थे। इधर भी हमने ये भी 7 लाइनें ही हैं, 7 लाइनों का डिज़ाइन है। आपको पता है बहुत जल्द बन जाएगा। और जो नेट है हमने इसकी वो स्टिचिंग वाली नलकी से बनाई है, और इसके ऊपर हमने रेशमी धागा यूज़ किया है जो इसमें फिलिंग की है। आप चाहें तो स्टिचिंग वाली नलकी से ही फिलिंग भी कर सकती हैं। तो ये देखो हमने सेंटर से ये 6 इधर बॉक्स छोड़ दी हैं, 3 इधर बॉक्स छोड़ दिए हैं, 3 इधर, 7 लाइनें हैं ना। तो 7वीं लाइन को हमने सेंटर से पकड़ लिया है, 1 2 3, ये देखो। अब हमने इस पर ऐसे करके बस बॉक्स में 2-3 बल देने हैं हमने इसको। जैसे हम ऐसे कर के फिलिंग करते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखो ऐसे हम कर रहे हैं, ये देखो। एक मेरी बहन का कमेंट आया था कि ये मैं बनाती हूँ तो इकट्ठा हो जाता है। ये देखो इकट्ठा क्यों हो जाता है, हमने धागे को खींचना नहीं है। ये देखो बिल्कुल आराम से, ये देखो। अब हम आगे आ जाएंगे। ये तो बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत भी लगता है, आप धागे को खींचे ना ज़्यादा ढीला छोड़ें। ये देखिए ऐसे करके बस हमने एक बॉक्स में 3 बार ऐसे बल देना है, तो फिर हम ऐसे आ जाएंगे। एंड पे आ गए हम, यहाँ पर भी देखो हमने ऐसे, ये देखिए। अब हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ जाना है, ये देखिए। यहाँ पर भी हम सेंटर में आ गए हैं। अब हमने नीचे को जाना है फिर, ये देखिए। फिर हम इधर आ जाएंगे, इस बॉक्स को हमने बंद कर देना है, मुकम्मल बॉक्स बना लेना है ऐसे करके। ये देखो हम इसको ऐसे करके
ये देखिए ये एक बॉक्स बन गया है। अब हमने इसके ये सेंटर से ही दूसरा बॉक्स शुरू करना है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो ऐसे करके ये देखो हम धागे को ले जाएंगे। जो मेरी बहनें न्यू हैं वो धागे से भी परेशान होती हैं कि हम कैसे कैसे लेके जाएं, नज़र आता है। ये देखो आपने धागे को बिल्कुल आराम से ऊपर की तरफ ऐसे इस बॉक्सों के अंदर से गुजार कर ऐसे करके ले जाना है। अब फिर हमने ऊपर बॉक्स को शुरू करना है। एक और बॉक्स बनाकर मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से। ये देखिए तो ये देखो हमने यहाँ से फिर इधर ले आना है धागे को। बस तीन बाल हमने देने हैं क्योंकि छोटा सा बॉक्स है। ये देखो ऐसे इधर ले आएंगे हम, इधर से ऊपर से भी हम सेंटर में ले आएंगे। सेंटर में आ चुके हैं हम। अब फिर हम नीचे की तरफ ये देखो इधर भी हम आ गए। अब ऐसे करके इधर से भी हम ले जाएंगे ऐसे। आप धागे को ना ज्यादा ढीला छोड़ें ना इसे सख्त करें। बहुत प्यारा डिजाइन है और बहुत आजकल ये बहुत ज्यादा इन भी है। ये देखो दो बॉक्स हमारे बन चुके हैं ऐसे। ये देखिए इसको भी हम ऐसे करके ले जाएंगे। ऐसे ऐसे करके धागे को लेके जाएं, नहीं तो ये जब नजर आता है नीचे से तो नेक की फिनिशिंग में ये रुकावट बनता है। ये देखो यहाँ पर अब हम ले आए हैं इसको। अब हम तीसरा बॉक्स शुरू करेंगे ऐसे ही। ये देखो हमने बॉक्स अंदर से खाली छोड़े हैं और बहुत प्यारे ये बॉक्स हमने बना दिए हैं। अब सब बॉक्स हम ऐसे ही बना लेंगे। तो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर देख लें हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो गया और माशाल्लाह से कितना प्यारा भी लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल बनाने का मकसद, मेहनत करने का मकसद यही होता है कि आप उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखें तो हमें फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ मैं आपकी पसंद की आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो आपने इसे लाइक शेयर ज़रूर करना है। कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।